देखिए, भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर के, हम समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान इससे नहीं बढ़ा है। ये समस्त पिछड़े अति पिछड़े शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सम्मान किया है और इसी के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी जाने जाते हैं। चाहे प्राण प्रतिष्ठा कर रामलला को अयोध्या में 22 तारीख को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया उसके लिए हो, या अनेकों काम वो करने जा रहे हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो आज यही साबित हो गया कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दे करके जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया। और इसी कड़ी में हम एक मांग करते हैं कि बच गए हैं एक प्रवर पुरुष दशरथ मांझी जी, जो शेड्यूल कास्ट क्या श्रम में जाए थे के प्रतीक थे, उनको भारत रत्न की उपाधि दें, ऐसा हम मांग करते हैं। और साथ साथ गरीबों को देवघर मंदिर में प्रथम पदार्पण कराने वाले और समानति व्यवस्था को समाप्त करने वाले डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ये दोनों को भी भारत रत्न की उपाधि दें, ऐसा हम उनसे मांग करते हैं। देखिए, बेहद स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जानिए। लालू जी के वैचारिक गुरु थे, नीतीश जी उनके सानिध्य में थे, और मुझे तो स्मरण है प्रधानमंत्री जी के समक्ष 2-2.5 साल पूर्व हमारे तेजस्वी जी ने पुरजोर तरीके से इस मांग को की थी। तो ये जो एक धर्मांधता का तमाशा कर रहे थे उसमें उनको लगा कि सामाजिक न्याय की धारा उस पर भारी है। तो ये फैसला मैं समझता हूँ जैसे भी लिया गया, उन्हें पता है कि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने सोचा कि उससे काम चल जाएगा 22 जनवरी वाला, वो बहुजन धारा के समक्ष झुक गई। अब उन इतना ही आग्रह है प्रधानमंत्री जी से कि हमने जातिगत जनगणना करवाई, फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाया, इसे 9वीं सूची में शामिल करके वो सही श्रद्धांजलि होगी, नहीं तो भारत रत्न सांकेतिक लगेगा माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं कहूंगी कि हर ऐसे जो रत्न है, जो रत्न भारत माता के कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, उनको लाकर बाहर सबके समक्ष रखने का प्रयास जो है वो जारी है। उस प्रयास में एक ये भी प्रयास है कि भारत माता के रत्न स्वरूप कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने समाज सेवा में बहुत अधिक कार्य किया और पीड़ित शोषित वंचित वर्ग के लिए खास तौर पे बहुत कार्य किया, और इमरजेंसी के दौरान जिस प्रकार का संघर्ष इन लोगों का रहा, और मैं थोड़ा बहुत परिचित हूँ उस समय से, तो उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो एक ऐसे समाज की प्रेरणा वो बनते हैं जिस समाज के सामने शायद उनके जो उदाहरण है उसको पुनः स्थापित करने की आवश्यकता थी। और मैं प्रधानमंत्री जी का और उस पूरी टीम का जिसने ये सिलेक्शन किया आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतना सुंदर कार्य किया गया है जिसके अनुसार ऐसे बड़े बड़े कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, और वो प्रेरणा स्वरूप व्यक्तित्व जो है आज की पीढ़ी के सामने आएगा। भाई, उनके इस दुनिया से गए हुए ही 3 दशक से अधिक हो गए, 36 वर्ष हो चुके हैं, और 36 वर्ष जाने के बाद तो उनको भुला ही दिया गया था, लेकिन वापस उनके व्यक्तित्व को जब इस रूप में देखा जाता है, भारत रत्न के रूप में देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत बड़ा संदेश स्थापित होता है, और वो संदेश हम सबके लिए भी एक गौरव का विषय है और प्रेरणा का विषय है। उनसे प्रेरित होकर हम सब कार्यरत रहे।